हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। नागपुर से हैदराबाद के लिए रवाना हुई एक एयर एम्बुलेंस की गुरुवार यानी कि आज आर्थिक राजधानी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी आने की वजह से ऐसा करना पड़ा। खबरों के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान एयर एम्बुलेंस का एक टायर किसी तरह से अलग हो गया था, जिसकी वजह से ये घटना घटी। वहीं इस घटना के बाद चालक दल ने पुष्टि की है कि पायलट्स ने लैंडिंग गियर का उपयोग किए बिना एयर एम्बुलेंस की बेली लैंडिंग कराई थी। बता दें कि बेली लैंडिंग तब होती है जब कोई विमान अपने लैंडिंग गियर के बिना लैंड करता है। और वो मुख्य लैंडिंग डिवाइस के रूप में अपने अंडर साइड या बेली का उपयोग करता है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर संजय झा नाम के एक यूजर्स ने एयर एम्बुलेंस का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पे मौजूद सुरक्षा कर्मी एयर एम्बुलेंस को लैंड करते ही उस पर पानी का बौछार कर उसमें आग लगने से बचाव कर रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस घटना में मरीज, डॉक्टर और चालक दल सभी सुरक्षित है। कोरोना महामारी के चलते हमें पहले ही बहुत से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही इस गर्मी की वजह से हमने कई बार देखा है कि शॉर्ट सर्किट या किसी भी कारण की वजह से आग लग रही है। वैसे इस महामारी के चलते ऑक्सीजन ब्लास्ट होने की वजह से भी कई जगह नुकसान हो रहा है। इसी बीच किसी भी तरह मरीज या डॉक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सभी सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। इसमें एयरलाइंस भी मदद करी हैं, लेकिन आज जिस तरह से इस घटना का बचाव हुआ है, इसमें कई मरीज और डॉक्टर बचाए गए, वरना एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा घातक बन सकती थी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक शेयर करना ना भूले। और भी ऐसे जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।